जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ कि आप कैसे QR कोड अपना खुद का जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उससे पहले आपको जानना होगा QR कोड होता क्या है और किस किस फॉर्मेट में होता है, किस टाइप का होता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद से यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा QR जनरेटर, ठीक है। सॉरी, मैंने OR लिखा है लेकिन QR आप लिखे वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहला है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं QR हो गया आपका, ठीक। और देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किस किस टाइप का QR आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो होता है फ्री टेक्स्ट, मतलब कि इसको कोई सर्च करेगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे वर्ड कोई अपना नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो वो आएगा। अभी आगे एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है, जनरेट करने के बाद कैसे आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है URL, ठीक है। देख सकते हैं URL मतलब होता है किसी वेबसाइट या किसी भी चीज़ का लिंक, ठीक है। यहाँ पे इंटर करके अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, मतलब नंबर होता है या ईमेल होता है, फ़ोन नंबर कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद से होता है फ़ोन नंबर, मतलब जो सिर्फ अपना फ़ोन नंबर अपना वो कर सकते हैं जनरेट, कोई उसको स्कैन करे तो आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है SMS का, ठीक। उसके बाद होता है और बहुत सारा होता है, इसमें पूरा नहीं दिखा रहा, मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। चलिए आप सबसे दूसरा हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा जो वेबसाइट है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। देख सकते हैं URL, विजिटिंग कार्ड, टेक्स्ट, ईमेल, SMS, वाईफाई, बिटकॉइन, ट्विटर, फेसबुक, PDF, MP3, ऐप स्टोर, इमेज, ठीक है। देख सकते हैं इतने टाइप का QR कोड आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम एक फ्री URL का जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। URL मतलब मैं अपने चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है। ये मेरे चैनल का लिंक हो गया, अब इस पर मैं यहाँ पे सेव कर ले रहा, ठीक है। सेव पे क्लिक करने वास्ते अपना फाइल नेम कुछ भी डाल दें, ठीक। आगे देखते ये मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मतलब आप इसको स्कैन कर सकते हैं, आपको ऐसे दिखा रहा, ठीक है। चलिए मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, QR लिख दे रहा हूँ, ठीक है, QR, ठीक है। अब PNG फॉर्मेट में सेव कर ले रहा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं नीचे ये डाउनलोड हो गया है, ओपन पे क्लिक कर बोल रहा है करने को। तो सबसे पहले आप अगर आपके मोबाइल में डिफ़ॉल्ट में स्कैनर नहीं है तो कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाना है और लिखना है QR स्कैनर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप देख सकते हैं आ जाएंगे यहाँ पे, किसी को आप डाउनलोड कर लें। मेरे मोबाइल में तो डिफ़ॉल्ट में है स्कैनर, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा QR कोड है, इसमें मैंने लिंक डाल के डाउनलोड किया था, देख सकते हैं मेरे चैनल का लिंक आ गया है। आप ऐसे ही अपने फ़ोन नंबर या कुछ भी का जिसका भी मैंने बताया था कि किस प्रकार का QR कोड होता है, वैसे ही आपको सेम वहाँ पे लिखना है और सेम वहाँ पे लिख के और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करना आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। Have a nice day.